कारगिल शहीद राम तनुज यादव के नाम से लगता है यहाँ पर भव्य मेला। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के एक छोटे से गांव नथुपुर में लगता है। यह मेला आगामी 30 अगस्त को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। मेले के आयोजक शहीद राम तनुज यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव ने मेले में आने के लिए आम जनता से अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि इस बार वाटर प्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं, यहां पर महिलाओं के लिए अलग से पंडाल बनाए जा रहे हैं, दूर से आने वाले मेहमानों के लिए यहां पर खाने व ठहरने का भी प्रबंध किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले में पूरे पूर्वांचल से जितने लोग शहीद हुए उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है और उन्हें मंच से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में निखिल श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट कुमायूं रेजिडेंट कर्नल को बुलाया गया है। इस अवसर पर मनोरंजन का भी भरपूर प्रबंध किया गया है, जिसमें भोजपुरी एक्टर व सिंगर समर सिंह और कविता यादव को बुलाया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नथुपुर गांव में 30 अगस्त को किसान परिवार में जन्मे राम समूज यादव पुत्र राजनाथ 3 भाई बहनों में बड़े थे। वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। 1997 में इनका यह सपना साकार हुआ और आर्मी में भर्ती हो गए। इनकी ज्वाइनिंग 13 कुमायूं रेजिडेंट में हुई और पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर को हुई। 3 महीने बाद परिवार से मिलने के लिए राम समूह यादव ने छुट्टी की अर्जी लगाई, छुट्टी मंजूर भी हो गई और परिवार के लोग राम समूह यादव की शादी की तैयारी में जुट गए थे। इसी बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया और जिसकी वजह से राम समूह यादव की छुट्टी रद्द कर दी गई और उन्हें वापस कारगिल युद्ध में भेज दिया गया। राम समूज यादव के शहीद होने के बाद केंद्र सरकार ने परिवार को गैस एजेंसी व राज्य सरकार ने भी कुछ आर्थिक मदद की, जिसके उपरांत छोटे भाई अपने व्यवसाय को चलाते हैं और कहते हैं कि हम अपने धंधे और व्यवसाय से कुछ पैसे हर साल बचा कर इस मेले का आयोजन करते हैं। उन्होंने राम समूज यादव के नाम से एक बड़ा सा पार्क बनवाया है और पार्क के मुख्य द्वार के पास ही राम समूज यादव की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका अनावरण 30 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। चला हमारे सामने मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नथुपुर गांव के कारगिल शहीद राम समूज यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव जी, जो प्रतिवर्ष 30 अगस्त को शहीद मेला का आयोजन करते हैं राम समूज जी की याददाश्त में। हम जानना चाहेंगे कि इस साल यह 30 अगस्त को शहीद मेले के उपलक्ष्य में क्या क्या आयोजन कर रखे हैं। मेले में जो है हमारे मुख्य अतिथि कर्नल निखिल श्रीवास्तव, जो हमारे बड़े भाई के पोस्ट कमांडर थे कारगिल युद्ध में, वो मुख्य अतिथि हैं और जिला अधिकारी महोदय भी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में
स्कूली बच्चे और भी कुछ बच्चे बच्चे आ रहे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और मुख्य कलाकार समर सिंह कविता यादव ऐसे लोग आ रहे हैं। हाँ प्रमोद जी, 30 अगस्त को जो आप शहीद दिवस मना रहे हैं, ये कब से मना रहे हैं? ये हम जो हमारे बड़े भाई थे जो 30 अगस्त 1999 में शहीद हुए, 30 अगस्त 1999 के बाद 30 अगस्त 2000 से हम लोग कंटिन्यू ये शहीद मेला लगाते आ रहे हैं। ये 19वां शहीद मेला है। तो इस मौके पर आप ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और कुछ करते हैं, जैसे शहीदों को सम्मानित करना, शहीद परिवार को सम्मानित करना? इस बार जो है जो पुलवामा के पूर्वांचल में जितने लोग पुलवामा के शहीद हुए हैं उनके परिजन और भी पूर्वांचल के शेष जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजन आ रहे हैं जो हमारे मुख्य अतिथि द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। लमसम कितने लोगों को सम्मानित करने की 25 से 30 लोगों की उम्मीद है। हमने निमंत्रण भेज दिया, लोगों से कॉन्टैक्ट भी किया, जा जाके घर पे लोग 25-30 लोग आएंगे शहीद। तो इन लोगों को रहने सहने की व्यवस्था जो सारी, है ये सारी सारी व्यवस्था कर ली गई है। कुछ लोग तो उसी दिन आएंगे, कुछ लोग एक दिन पहले आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था कर ली गई। राम समूह जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए की थी, तो इस आयोजन में क्या सरकार की तरफ से कुछ आपको सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से बस हम अपने तरफ से। कभी आपने ये अपील सरकार से नहीं की, ये आप आवेदन नहीं किया कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए अपनी जान दी है, हम हर साल शहीद मेला मनाते हैं, तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ सहयोग करें, इस तरह का आपने कभी सहयोग नहीं? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किसी से कहा, क्योंकि जब हमारे बड़े भाई शहीद हुए थे तभी से कुछ हमको आर्थिक रूप से सरकार से मिला था, उसी आर्थिक रूप से कुछ बिजनेस था, उसी में से जो भी हमारा बजट होती है हमें उसको इकट्ठा करके एक साल में एक कार्यक्रम। यह है प्रमोद यादव, कारगिल शहीद राम समूह यादव जी के छोटे भाई, जो हर साल अपने भाई राम समूह की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को शहीद मेला का आयोजन करते हैं, जिसमें हर वर्ष शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाता है और सांस्कृतिक कलाकारों को बुलाकर क्षेत्र की जनता को आनंद देने के लिए हर वर्ष एक से बढ़कर एक कलाकारों को बुलाया जाता है। साथ ही साथ क्षेत्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर 30 अगस्त को इस साल भी कविता यादव, समर सिंह और क्षेत्र के तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तलाल मीडिया के लिए कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ रोशन लाल।